भी बांटेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी के चलते ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है मनीष। देखिए सुनी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1:30 बजे सैफई पहुंचेंगे, वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और साथ में जो चकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाका है उसमें वहां पे पीड़ितों से मुलाकात करके उनको जो राहत सामग्री वो भी बांटेंगे। साथ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा भी जाएंगे, वहां पर भी जो बाढ़ पीड़ित हैं करीब 520 बाढ़ पीड़ितों को सीएम राहत सामग्री का वितरण करेंगे और उसके बाद लगभग 3 बजे वो लखनऊ का प्रस्थान करेंगे। मनीष, अगर देखा जाए तो कल भी देखने को मिला था कि हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी कई जगह लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, हालचाल जानेंगे लोगों के बीच किस तरीके का। एक देखा जाए तो लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ना तो शासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है ना ही प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री पहुंच रही है, तो अब इसमें क्या विराम लगता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाकर के बाढ़ प्रभावित इलाके में जो भी पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, ये साफ संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि भले ही अधिकारी कहीं इनसे चूक करें लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां पर भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है वहां पर जाकर के उनके बीच में खुद वो जायजा लेंगे। जब खुद मुख्यमंत्री किसी बाढ़ पीड़ित से मिलेगा तो इसका संदेश सीधे तौर से अधिकारियों में साफ जाएगा कि वो भी जुट करके उन बाढ़ पीड़ितों की राहत करें और उनको राहत सामग्री भी पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहल मानी जा सकती है अधिकारियों के लिए। ये बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, सीएम योगी आदित्यनाथ का बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका जायजा लेंगे और साथ ही लोगों से मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री भी प्रदान की जाएगी।